दर्द का रिश्ता होता है। हिमा जी से इतनी नाराज थी, मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, उनको खाने के लिए भी टाइम से नहीं पूछती थी। माजी मेरी ही वजह से घर छोड़ के गई है बेटा। के केदारनाथ मिट्टी का शेर है, मिट्टी का शेर। बरसों से अमरनाथ उसे अपने इशारों पर नचा रहा था, अब मैं उसे अपने इशारों पर नचाऊंगा। आप अब तक कहाँ थे? एक बहुत नेक इंसान, उसने अपनी शरण में रखा मुझे, लेकिन मैं उसके घर में बोझ बनकर रहना नहीं चाहती, इसीलिए वहां से चली आई। लेकिन मैं भी तो जानू माता जी कि वो नेक इंसान था कौन? बहुत नेक इंसान है, मुकुंद प्रसाद चौरसिया। लेकिन मैं अब उसका घर ही छोड़कर आ रही हूँ। माता जी, अब आप क्या वहीं जाएंगी, दिल्ली, उन्हीं औलादों के पास जिन्होंने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था? नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि यहीं कहीं कोई आश्रम हो। मुकुंद प्रसाद मुझे ढूंढने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। हाँ माता जी, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब रहने को तो आप किसी भी आश्रम में रह सकती, लेकिन आपको अपना नाम बदलना होगा ताकि आपको कोई ढूंढ ना पाए। अगर ढूंढेगा तो आपको आपके नाम से ही ढूंढेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अच्छा, आइए माता जी। बस घर में सब कैसे हैं? सब बताता हूँ माता जी, आप चलिए तो सही। चलिए घर से चलते। आइए माता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए माता जी। धन्यवाद। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल ये हमारी चाची जी है, और हमारी चाची जी का ना अब मन घर में लगता नहीं। घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए हमारी चाची जी ने ये फैसला कर लिया है कि अब ये वृद्ध आश्रम में रहें। हाँ, बिल्कुल। तो आपके यहाँ व्यवस्था हो सकती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, ये वृद्धाश्रम बना ही इसलिए है। अब अगर थोड़े बहुत पैसे वैसे भरने की जरूरत पड़ी ना तो मैं भर दूंगा। नहीं, पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी, दिल्ली से। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ माजी का। क्या नाम है माजी आपका? मेरा नाम कावेरी, कावेरी शर्मा। कितना पावन नाम है। अच्छा, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कावेरी शर्मा। जी सर। और आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा नाम मोहनलाल, मोहनलाल शर्मा। अच्छा, मोहनलाल शर्मा। इनका भतीजा हूँ अपने हिसाब से। हाँ। वैसे ये माजी को कौन कौन मिलने आने वाला है? जी, मैं ही आऊंगा, तो मैं ही आता रहूंगा। तो भाई साहब, आपका मोबाइल नंबर दे देंगे? हाँ, लिख लीजिए।
9221271732। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। भाई आहिस्ता ही बोल रहा हूँ, फिर भी लिख लीजिए 9221271732 मोहनलाल शर्मा। माजी यहाँ दस्तखत कर दीजिए। अब माता जी कहाँ दस्तखत करेंगी, माता जी तो पुराने जमाने की हैं, अंगूठा लगा देंगे। कोई बात कोई बात माजी, यहाँ पर। और साहब आपके भी दस्तखत। लाइए मोहनलाल शर्मा। ठीक है। तो आइए माता जी, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए। आते रहना और उनकी सबकी खबर भी मुझे देते रहना। कैसी बातें करती है माता जी, मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई तो आऊंगा आपसे मिलने के लिए। अहो भाग्य मेरे कि मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये लीजिए मैनेजर साहब, माता जी के कपड़े। आइए। खुश रहो खुश रहो। देवती जी देखो कौन आया है। मंगला जी आइए आइए माता जी। ये हमारे सब यहाँ के मेहमान हैं। हरिद्वार के शरणम व्रत आश्रम में मैंने उन्हें कावेरी के नाम से रखवा दिया है। आजकल वो वहां कावेरी के नाम से विराजमान है अपने हिसाब से। हाँ लेकिन अगर वहां कोई और पहुंच गया और माता जी किसी और के हाथ लग गई तो फिर तो आपका प्लान तो धरा का धरा ही रह जाएगा ना। ना 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 ना, ना। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैंने उन्हें वहां बहुत सोच समझ कर रखवाया है। उस आश्रम में ना किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, और अगर वहां कोई पहुंचा तो पहुंचकर वो गंगा के बारे में पूछेगा। अब वहां गंगा नाम होगा ही नहीं तो समझ रही हो ना अपने हिसाब से। उन्हें वहां रखवाने का एक फायदा है नैना, कि कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने माता जी को अगवा किया है, उन्हें कैद कर रखा है, उन्हें उठवा लिया है या उन्हें अगवा किया है अपने हिसाब से। लेकिन एक बात बताइए, अगर माता जी मुकुंद प्रसाद के घर रह रही थी तो फिर वो आश्रम जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। हाँ हाँ मैं कब कर रहा हूँ कि नहीं रह रही थी, वो उन्हीं के घर में रह रही थी। लेकिन उनके घर में भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा। और वैसे भी जब वो घर छोड़कर बाहर निकली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किसी आश्रम में रखवा दो। बाके सच पूछो नैना, मुझे तो बिन मांगी मुराद मिल गई। वैसे भी मैं सोच रहा था कि मुकुंद प्रसाद चौरसिया के घर पे जाकर मैं करूंगा क्या, लेकिन इस बुढ़िया के मिल जाने से सारे का सारा मामला मेरी मुट्ठी में आ गया। अब खेल खेलने का मेरा समय है, मैं खेलूंगा इनके साथ खेल अपने हिसाब से। अब तो मैं भी इस खेल को देखना चाहती हूँ। मेरी तो ये तमन्ना है कि इन लोगों को मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पता हुआ देखूं। ऐसा ही होगा नैना, ऐसा ही होगा।
ये सब के सब मेरे सामने बिन परों के परिंदों की तरह फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ाएंगे ये लोग मेरे सामने, और वो मुकुंद प्रसाद, उसके तो ख्वाबो गुमान में भी नहीं होगा कि वो कितने बड़े जाल में फंस गया है। उसके तो ग्रह नक्षत्र सब बदल गए। उसे तो समझ में भी नहीं आएगा जब मैं उससे बात करूंगा अपने हिसाब से। क्या बात है बेटा? माँ पापा ने 40 एकड़ जमीन अपने नाम कराई थी, लेकिन दादी माँ के कहने पर 3 एकड़ जमीन बेच दी गई थी, लेकिन अब भी 37 एकड़ जमीन पापा के नाम पर। तेरे बाबूजी ने तो वो जमीन माजी के नाम करवा दी थी और वो फाइलें भी माजी के पास रखने के लिए दे दी थी। यही तो देखना है माँ कि दादी माँ अपने साथ फाइल लेकर गई हैं या नहीं, इस बात का तो हमने ख्याल ही नहीं किया। चंदन, इसका मतलब दादी माँ ये फाइल अपने साथ लेकर नहीं गई? हाँ बेटा, जबकि मैंने उन्हें समझा भी दिया था, माँ जी ये जमीन मैंने वक्ती तौर पे अपने नाम करवाई, अब मैं वापस आपके नाम पे कर चुका हूँ। माँ जी को जमीन जायदाद से कोई मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए तो उन्हें फाइल का ख्याल भी नहीं आया होगा। लेकिन हम सोचना तो ये है कि इन फाइलों को हम करेंगे क्या? पापा, जब तक दादी माँ नहीं मिल जाती इस बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। बेटा, अगर हमने केदारनाथ और अमरनाथ से बात की तो उनकी पहली कोशिश ये नहीं होगी कि वो माता जी को ढूंढे, बल्कि उनकी पहली कोशिश ये होगी कि मैं ये 37 एकड़ जमीन उनके नाम पर करूं। सच कहा जाए तो ये जमीन ही माताजी के बुढ़ापे का सहारा है। आप ठीक कहते हो जी। इस धरती पर न जाने कितनी ऐसी खुदगर्ज औलादें हैं जो अपने माँ बाप की देखभाल प्यार और आदर की वजह से नहीं बल्कि उनके जायदाद के लालच में करते हैं। अगर ये जमीन माताजी के नाम पर रही तो कम से कम उनकी खुदगर्ज औलादें बुढ़ापे में उनकी देखभाल तो करेंगी। इसी जमीन की वजह से तो माँ जी को उन लोगों ने मारने की कोशिश की, और आप कह रहे हैं कि वो लोग उनकी देखभाल करेंगे? हाँ, लेकिन कम से कम वो दूसरी बार ऐसी जरूरत नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं ये फाइलें लेकर उनके सामने चला गया और मजबूरी में मुझे जमीन उनके नाम पर करनी पड़ी, ऐसी हालत में माता जी को या तो वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा या हमारे घर में। वृद्धाश्रम में क्यों? क्या हमारे घर में जगह नहीं है? माँ, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये सवाल उठता है कि इस फाइल का क्या करना है। मेरा मुझे लगता है कि फिलहाल हमें इन फाइलों को सामने लाना ही नहीं चाहिए। बात में कितनी सच्चाई है, सारे लोग फुफा जी का नाम ले रहे हैं और बात को छुपाने से क्या बात छुप जाती है? पूर्णिमा को पता लग चुका है, नाना चाची को पता लग चुका है। अरे चंदन भैया से जानने की कोशिश की तो चंदन भैया ने भी मुझे कुछ बताने से इनकार कर दिया। सच्चाई क्या है ये मैं जान भी नहीं सकती, ये सब कुछ देखा नहीं जाता। अरे पूर्णिमा, खुशबू, अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं सुरभि, कभी कभी किसी को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है ना, किसके दिल में क्या है कोई समझ नहीं सकता। मैं कुछ समझी नहीं पूर्णिमा। ये सोचकर भी कितना अजीब लगता है ना कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आई इस घर में। इस घर में चारों तरफ खुशियां महका करती थी, लेकिन आज नफरत की हवा फैल रही है। दर्द का रिश्ता होता है।
कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आई इस घर में जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता था और तुमने सबको इतना अच्छा परिचय दिया कि सब लोग तुम्हें जानने लग गए। सचमुच तुमने घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। देखो मैंने तो बस वही किया जो मेरी आदत है। अब तुम्हारे रूम का बंदोबस्त हुआ सुरभि? क्या हुआ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अब घर में कुछ लोग ये चाहने लगे कि तुम यहीं पे रहो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा इरादा भी पूछ लूं। मैंने एजेंट से बात की है पूर्णिमा, बस एक दो दिन में रूम का अरेंजमेंट हो जाएगा। मुझे खुद भी यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इतने दिन गुजर गए उतने ही बहुत थे। मैं जल्द से जल्द रूम का अरेंजमेंट करके यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है। वैभव से आपकी कोई बात हुई क्या? वैभव ने? नहीं तो, कुछ बात करना चाहता था। हाँ, कह रहा था कि इस घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है और ये सच भी है। इस घर में कोई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे के साथ रहने का दिल कैसे करेगा किसी का? सब नहीं, हम दूसरा घर ले भी नहीं सकते और नहीं इसको ठीका जो कर्ज है वो दिया जा सकता है। फिलहाल तो यहीं रहना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो कह रहा था कि इस कोठी को बेचकर इस पर जो कर्ज है वो भी चुकता हो जाएगा और जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे हम छोटा मोटा घर ले सकते हैं। श्रावणी, ये तुम कह रही? हाँ, मैंने इस घर को संभालने की बहुत कोशिश की, सबको प्यार से रखने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मेरी कोशिश नाकाम हो चुकी। इस घर में चारों तरफ खुशियां महका करती थी, लेकिन आज नफरत की हवा फैल रही है, जिसमें मैं तो क्या कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। इसलिए मुझे वैभव की बात सुननी पड़ी। हमें ये कोठी बेच देनी चाहिए। वैसे भी हमें बहुत बड़े घर की जरूरत तो है ही नहीं, बस एक ऐसा घर हो जिसमें प्यार हो, सुकून हो, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें हो, सुख और चैन की नींद सो सके। तुम्हारे नासों के मुझे मैं हूं, मेरे सिर पर अपनी माँ को मरने के लिए छोड़कर आने का बोझ है। इस घर के
टूटने बिखरने का बोझ, तुम्हारे सबके आंसुओं का बोझ है मुझ पर, क्योंकि मैंने किसी के बहकावे में आके आनन फानन में इतना बड़ा फैसला ले लिया कि शायद शायद पूरी जिंदगी नहीं ले पाता। काश काश कि मैंने ये फैसला नहीं लिया होता शामरी, शामरी तुमने तो माँ से पीलीभीत वाली जमीन को बेचने की बात की थी और माँ ने उसे बेचने का फैसला भी कर लिया था, है ना? केदार को उस पूरी जमीन को हड़पने का मौका नहीं मिलता और कम से कम इस घर की खुशियां तो सलामत रहती। दर्द का रिश्ता होता है। तुमने तो माँ से पीलीभीत वाली जमीन को बेचने की बात की थी और माँ ने उसे बेचने का फैसला भी कर लिया था, है ना? कंपनी पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, इज्जत की बात है कंपनी बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर्जा लेकर कंपनी को कब तक चला पाएंगे? क्या बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है? हाँ माँ, उससे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती माँ, इसलिए इन लोगों ने आपसे बात की थी कि वो पीलीभीत वाली जो 40 एकड़ जमीन है क्यों ना उसे बेच दिया जाए। अगर ऐसी बात है तो मुझे हरिद्वार से वापस लौटने दो, कल जा रहे हैं परसों तक लौट आएंगे। मैं अमरनाथ से कहूंगी कि वो 40 एकड़ पीलीभीत की जमीन बेच डाले और अपना कर्जा उतारे। वो वैसे भी जमीन जायदाद होती इसीलिए है कि बुरे वक्त में काम आए। तुम चिंता मत करो, मत रो। बस बस रानी, बस बस। आज श्रावणी का धीरज टूटता हुआ देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा है कि अगर मैं माँ को हरिद्वार छोड़कर नहीं आया होता तो दूसरे ही दिन हमारी सारी समस्याएं सुलझ गई होती, वो जमीन हमारे हाथ से नहीं निकलती। केदार को उस पूरी जमीन को हड़पने का मौका नहीं मिलता और कम से कम इस घर की खुशियां तो सलामत रहती। इस घर में अगर नफरत की हवा चल रही है तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूं, सिर्फ मैं हूं। बस अशरफनी, बस बस इतना पता चल जाए कि माजी जहां भी है बस ठीक है तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी बेटा, तसल्ली मिल जाएगी। ऐसा कौन सा जरूरी काम? वो मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना, मिलने आ जाना।